जालंधर की कपूर कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक गौतम ने पूरे गौतम परिवार का सर सम्मान से ऊंचा कर दिया है। उसने ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो कि इस उम्र के बच्चे के लिए हासिल करना शायद नामुमकिन है। 12 से 17 वर्ष के बच्चे की उम्र जो कि अपने साथियों के साथ खेलने कूदने या फिर दोस्तों के साथ घूमने की होती है, लेकिन अभिषेक गौतम ने इस उम्र में नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक बड़ी बड़ी कंपनियों के ना सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल किए हैं बल्कि पहला और दूसरा रैंक लेकर परिवार का सम्मान बढ़ाया है। नील गौतम के बेटे अभिषेक गौतम ने 17 वर्ष की आयु तक बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। जिस तरह आजकल नशे का सेवन बढ़ता जा रहा है, बच्चे अपनी राह से भटक रहे हैं और उन्हें पल भी नहीं लगता गलत कार्यों में पड़ने का। इसलिए वे यही चाहते हैं कि सब बच्चे अभिषेक की तरह अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन करें। अभिषेक APJ स्कूल का छात्र है और उसने स्कूल की तरफ से USA में नासा में बहुत से इंटरनेशनल वर्कशॉप अटेंड की जिसमें एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। जब कोविड का दौर चला और स्कूल बंद होने पर ऑनलाइन स्टडी कर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिस्कवरी, गूगल, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, WHO, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ब्रिटिश काउंसिल, HP और माइक्रोसॉफ्ट आदि संस्थाओं में अचीवमेंट्स हासिल कर सर्टिफिकेट प्राप्त किए और परिवार का नाम रोशन किया। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पिता नील गौतम, माता रजनी गौतम, पवन गौतम, कांता गौतम, राहुल गौतम, रियान गौतम, रोमानी गौतम, समायरा गौतम और राजेंद्र शर्मा द्वारा अभिषेक का मुंह मीठा करवाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज बड़े मान ते सम्मान की गल है कि साडा बच्चा जो कि साडा दोता लगता है अभिषेक, इसने बहुत वड्डी अचीवमेंट हासिल कीतियां ने, जिदे विचों कि इन्हें 13 साल की उम्र के ही नासा के जाके अमेरिका नासा से जाके अपना पार्टिसिपेशन किया, उतों भी ये बहुत वधिया अचीवमेंट्स लैके आया। इन्हें इस तो अलावा बहुत सारिया इंस्टीट्यूशन के नाल जुड़ के जो कि इंटरनेशनल लैवल दिया इंस्टीट्यूशन ने उत्थे जुड़ के इन्हें बहुत वड्डी अचीवमेंट्स लिया ने। असीं सानूं बहुत माण दी गल है, वी आल फील प्राउड ऑफ हिम। इस करके अज असीं ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਔਰ ਗੂਗਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਨਾਸਾ ਆ, WHO ਆ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। IQ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ IQ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਐਪਲ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਪੈਕਰਡ ਐਂਡ ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਮਾਨੀ ਗੌਤਮ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੌਤਮ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਵਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ TV ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖੋ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਵਨ ਗੌਤਮ, ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੌਤਮ, ਜਿਹੜਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਐਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ,
हूँ भी किसी बगैर क्लास अटेंड करने तो 8 नंबर 8 बैंड आईलैट घर बह के पढ़ाई करके जाते जी बहुत बड़ी गल है। हैलो, मेरा नाम अभिषेक गौतम है। ड्यूरिंग 2018 मेरे स्कूल वालों ओपरचुनिटी आई सी कि वो लैके चले सी USA वर्कशॉप्स ली एप्पल दी टेस्ला HP माइक्रोसॉफ्ट ते होर काफ़ी सी। ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने चूज करने से बच्चे जेडे कि स्कोलास्टिकली वैल परफॉर्मिंग आ तो उन्होंने वो लैके गए से उन्होंने एक मैं भी सी। उस तो बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी फ्री टाइम से बच्चों को उस वेले मैं देख रहा सी कि कोई प्रोडक्टिवली टाइम का यूज़ नहीं सेगा तो फिर मैं इंटरनेट से लभना शुरू किया कि मैं किस तरह अपना टाइम यूज़ कर सकता तो उदो मैं देखा कि काफ़ी सारे कोर्सेज ने या सर्टिफिकेट्स ने जोड़े तुम अचीव कर सकते हो घर बैठे जिद ना कि मतलब ताकि अपनी अबिलिटी तुम इनक्रीज कर सकते हो विदाउट मिनिमल एफर्ट। सो मैं वो शुरू किए ड्यूरिंग पहले मैं एक लिता नासा वालों जोड़ा देख के मेरे घर के बहुत खुश हुए तो फिर मैं अपने आप में परस्यू किया कि मैं होर करा तो जिदा जिदा मेरी अबिलिटी वही गई मैं देखा कि काफ़ी सारे अवेलेबल है तो मैं लेने शुरू किए। हूँ अगे की है अपना लाइफ का अगे मैं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस परस्यू करना चाहता करिए। मेरा नाम नील गौतम है तो मेरा बेटा अभिषेक गौतम है ये बचपन तो UPJ स्कूल पढ़िया है तो उन्होंने जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नासा ले जाने के लिए लॉन्च किया प्रोग्राम तो वेद सिलेक्शन हुई तो नासा जाके आया उ एप्पल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जोड़े वर्कशॉप से अटेंड किए। उस दिन तो मतलब यदि पॉजिटिव सोच चलती रही है तो अगर भी इन्हें मेहनत करके तो ऑनलाइन भी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हासिल किए ने। मैनू अपने बेटे पर बहुत माण है तो मैं नवी पीढ़ी को यही संदेश देना चाहना कि बच्चों नशे का या बुरिया सोसाइटी का खेड़ा छड़ के पॉजिटिव सोच रखो तो अगह बढ़ो।